नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपका चैनल शिक्षण पर। प्यारे दोस्तों, आज सेशन में हम लोग यूथ कंपटीशन बुक से बायोलॉजी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। इसमें लगभग दोस्तों हम लोग 10 चैप्टर अच्छा से कंप्लीट कर लिए हैं 11 चैप्टर में हम लोग इंटर कर चुके हैं। इसमें दोस्तों हम लोग देख रहे हैं स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कंकाल तंत्र के एक वीडियो और बनाया है दोस्तों, उसमें कंकाल तंत्र में कौन सा हड्डी को क्या बोलते हैं, हाथ में कितने प्रकार के हड्डी होते हैं, पैर में कितने प्रकार के हड्डी होते हैं, चेस्ट में कितने प्रकार के हड्डी होते हैं, सर में कितने प्रकार के हड्डी होते हैं, सारे वीडियो सारा जो है इसका पॉइंट जो हम लोग पिछले वीडियो में अच्छा से डिस्कस कर लिए हैं। आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के आप बायोलॉजी में यूथ पब्लिकेशन का जो बायोलॉजी का प्ले लिस्ट है उसमें जाकर के आप अच्छा से वीडियो देख लीजिए, जो स्केलेटन सिस्टम का फर्स्ट वीडियो है। ये स्केलेटन सिस्टम का सेकेंड वीडियो है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं हम लोग स्केलेटन सिस्टम का ऑब्जेक्टिव। इसमें दोस्तों पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी जो कौन सी है आप बताओ। ऑप्शन इसका डी सही है, जांघ की हड्डी। आप पूछेंगे सर जांघ की हड्डी का नाम क्या है, जो जांघ का हड्डी है उसका नाम क्या है, इसका नाम है फीमर। क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है फीमर। फीमर जो है मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी है, लंबी हड्डी है। लेकिन अब आपसे पूछ देगा कि सर शरीर जबकि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। क्या पूछेगा कि छोटी हड्डी कौन सी है, आपको छोटी बोन के बारे में पूछेगा कि छोटा बोन शरीर में कौन सी है, तो वो है अस्टेपिज। कौन सी है? अस्टेपिज। कौन सा हड्डी है दोस्तों? अस्टेपिज है। कहाँ पाया जाता है? वो कान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है, ईयर में पाया जाता है, ठीक है। अब कह देगा कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है। देखिए हड्डी नहीं बोल रहा है, कठोर भाग बोल रहा है, शरीर का सबसे कठोर भाग बोल रहा है कि भाग कौन सा है। तो ये भाग जो है दोस्तों दांत है। क्या है? दांत है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है? दांत है, दांत। अब दांत में कौन? तो दंत का बल्क होता है जो बाहर वाला परत होता है उसको बोलते हैं हम इनामेल। क्या बोलते हैं उसको? इनामेल। क्या बोलते हैं उसको? इनामेल। और शरीर का सबसे कठोर है, शरीर का सबसे कठोर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। अभी बताएं सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। फीमर कहाँ पे पाया जाता है? तो फीमर पाया जाता है जांघ की हड्डी में। कहाँ पाया जाता है? जांघ की हड्डी में। ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में, देखिए सारे जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है, रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम है या और कई कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि जो मन में आए वो देख रहे हैं हम लोग। तो रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम है और जितना बार पूछा गया है उतना बार हम लोग चर्चा करेंगे। कर रहा है कि मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ क्या है। क्या पूछ रहा है? कब सबसे कठोर पदार्थ? यही बता दिए थे सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो दांत का परत। इसका नाम क्या है? इनामेल। क्या नाम है इसका? इनामेल नाम है। यही सबसे क्या है? शरीर में सबसे कठोर क्या है? पदार्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पे पाई जाती है। सबसे लंबी हड्डी आप बताओ कि सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है। सबसे लंबी हड्डी कहाँ पे पाई जाती है मानव शरीर में? सबसे लंबी हड्डी कहाँ पे पाई जाएगी? उसका नाम है फीमर। क्या नाम है उसका? फीमर। कहाँ पे पाई जाएगी? तो जांघ में पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी दोस्तों? जांघ में पाई जाएगी। अगर तो आप पिछले वीडियो देख चुके होंगे जो कंकाल तंत्र का है, जो स्केलेटन सिस्टम का, तो आपको ये ऑब्जेक्टिव बनाने में हलवा की तरह लग रहा होगा, एकदम लग रहा होगा कि एकदम मतलब कि कुछ नहीं है। तो पिछला वीडियो जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 286 कह रहा है कि मानव शरीर में पाए जाने वाली एकमात्र पेशी कौन सी है। क्या कह रहा है? एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है। क्या कह रहा है? कि दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है। कौन सी एकमात्र पेशी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है? दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है, एकदम मतलब कि दोनों सिरों पर क्या है कि जुड़ा हुआ नहीं होती है। कौन सी पेशी है? वो पेशी है दोस्तों जीभ। क्या है? जीभ। जीभ जो है दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है। मानव शरीर में पाए जाने वाली एकमात्र पेशी है जीभ, जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी संधि, संधि मतलब होता है दोस्तों जोड़, ठीक है। तो मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है? जानुसंधि है। कौन सी है? जानुसंधि। कौन सी है दोस्तों? जानुसंधि। इसको बोलते हैं जानुसंधि, मतलब जानुसंधि क्या हो गया, इंग्लिश में बोलेंगे इसको नी ज्वाइंट। क्या बोलेंगे इसको? नी ज्वाइंट। तो आपको समझ में आएगा कौन सी है? नी ज्वाइंट, जानुसंधि। मानव शरीर में मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है? जानुसंधि। इंग्लिश में बोलेंगे क्या उसको? नी ज्वाइंट। ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 288 कह रहा है कि किसी
जंगम जोड़ का मतलब कहने का मूवेबल ज्वाइंट, जंगम जोड़ कहने का मतलब मूवेबल ज्वाइंट, किसी जंगम जोड़ या मूवेबल ज्वाइंट की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाली असनेह पदार्थ को क्या कहते हैं। देखिए जहां पे ज्वाइंट होता है दोस्तों वहां पे चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, क्या पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। तो चिपचिपा पदार्थ जो है उसको क्या बोलते हैं, उस चिपचिपा पदार्थ को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइनोबियल द्रव। क्या बोलते हैं उसको, साइनोबियल द्रव बोलते हैं, जहां पे मूवेबल ज्वाइंट होगा। जैसे आप केहुनी देखे होंगे, केहुनी जो केहुनी है वहां पे क्या रहेगा, ज्वाइंट है, मूवेबल ज्वाइंट है, तो वहां पे कौन सा द्रव रहेगा, तो साइनोबियल द्रव रहेगा। क्या रहेगा, साइनोबियल द्रव रहेगा, ठीक है। जहां पे ठेहुना है दोस्तों, ठेहुना के पास क्या रहेगा, तो साइनोबियल द्रव रहेगा। यहाँ पे क्या है, मूवेबल ज्वाइंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। हम आपको बताए थे कि जब व्यस्क नहीं, जब चाइल्ड रहेगा, बच्चा रहेगा, तो बच्चा में 300 के लगभग हड्डी रहेगा। क्या रहेगा, 300 के लगभग हड्डी रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 270 हो जाएगा। एकदम जो अडल्ट हो जाएगा दोस्तों, अडल्ट हो जाएगा, व्यस्क हो जाएगा, उसमें मात्र 206 हड्डी होंगे। कितने हड्डी होंगे दोस्तों, उसमें मात्र 206 हड्डी होंगे। ऑप्शन इसका सी सही है। एडल्ट में कितना होगा, 206 हड्डी होगा। शिशु में कितना होगा, बच्चा में 300 हड्डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से अस्थि और मानव शरीर के संबंधित, मानव शरीर के संबंधित भाग के गलत युग्म को चयन करें, जो गलत है, मानव शरीर के भाग के गलत युग्म का चयन कीजिए। अब क्या कह रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए में कह रहा है कि ऊर्ध्वबाहन अस्थि, जबड़ा, क्या जबड़ा से मिलान किया है, जानुका अस्थि पैर से मिलान किया है, फिर कह रहा है कि मानिक बंध गर्दन से मिलान किया है, अंत प्रकोष्ठीय अस्थि हाथ से मिलान किया है। इसमें जो है दोस्तों गलत युग्म ऑप्शन सी है, मनिका बंध जो है, मनिका बंध वो गर्दन से नहीं हाथ से संबंधित है। किससे, हाथ से, मनिका बंध जो है दोस्तों हाथ से संबंधित है, गर्दन से नहीं संबंधित है, यानी कि ऑप्शन इसका सी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। अभी बताए थे कौन सी सबसे छोटी हड्डी है दोस्तों, तो कौन सा बताए थे, जल्दी बताइए मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सा है, तो ऑप्शन इसका डी सही है, स्टेपिज। आप कहेंगे स्टेपिज कहाँ पाया जाता है, तो कान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कान में पाया जाता है। स्टेपिज कहाँ पाया जाता है, कान में पाया जाता है। आप पूछेंगे सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फिर बता दीजिएगा आप, फीमर है। फीमर कहाँ पाया जाता है, तो जांग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जांग में पाया जाता है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। फिर से आ गया वही क्वेश्चन, देखिए पिछला क्वेश्चन आपको लग रहा है सर रिपीट हो रहा है, पिछला क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी में पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था, एनटीपीसी में। अब वाला क्वेश्चन जो है जेई में पूछा गया है, आरआरबी जेई में पूछा गया है। तो क्वेश्चन जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रेलवे में यही तो फायदा है कि सारे क्वेश्चन क्या होता है, रिपीटेड होता है। फिर पूछ रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिज हड्डी है, स्टेपिज अस्थि है। कहाँ पाया जाता है, तो आप बता देंगे कि सर कान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। फिर से वही बात, किस में पाई जाती है, कान में। ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगला कह रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। फिर से वही बात, कौन सी है दोस्तों, जल्दी बताओ कौन सी है। ऑप्शन इसका कौन सा है, सी सही है। कौन सा सही है, सी सही है। ऑप्शन इसका कौन सा है, सी सही है। ऑप्शन इसका कहाँ पाई जाती है, तो कान में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है जल्दी बताइए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है मानव शरीर में 29 हड्डियां होती है, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है। देखिए मानव शरीर में दोस्तों 29 हड्डियां तो होती है, आपको तो पता है, जब हम आपको पढ़ाए थे 206 हड्डी में इसको दो भागों किए थे, एक किए थे अपेंडिकुलर, क्या किए थे इसको दोस्तों, अपेंडिकुलर में इसको डिवाइड किए थे, और दूसरा डिवाइड किए थे एक्सियल में। अपेंडिकुलर में हम लोग दोस्तों कितना हड्डी लिए थे, अपेंडिकुलर में 106 हड्डी लिए थे। कितना हड्डी लिए थे, 106 हड्डी लिए थे अपेंडिकुलर में दोस्तों हम लोग 126 हड्डी लिए थे। कितना लिए थे अपेंडिकुलर में, कितना हड्डी था, 126 हड्डी था अपेंडिकुलर में, मात्र 80 हड्डी था एक्सियल में। और यही एक्सियल में आता है दोस्तों सिर किस में आता है, एक्सियल में सिर आता है। अपेंडिकुलर में तो आता है हाथ आता है पैर आता है, और क्या आता है, कैल्विक पैल्विक आता है। किसमें, अपेंडिकुलर में। इसमें आता है सिर आता है दोस्तों, सिर आता है, चेस्ट आता है, आदि जो इंपॉर्टेंट है किसमें आता है, होता है एक्सियल में। तो एक्सियल में 80 हड्डी में दोस्तों 29 हड्डी जो है तो सर में के है, 29 हड्डी कहाँ का है, सर का है। अब बताइए कि माथा में कितना हड्डी,
तो माथा में आपको पता है कि कितना हड्डी होता है, 8 हड्डी होता है। आपको पता है कि माथा में कौन सा हड्डी कितना हड्डी होता है, तो माथा में 8 हड्डी होता है। अब कहेगा चेहरा में, चेहरा में 14 होता है दोस्तों, चेहरा में कितना होता है 14 होता है, चेहरा में भी कितना होता है 14 होता है, ये भी आपको पता है। अब कहेगा देखिए यहाँ पे लिखते हैं, सर में कितना होता है, माथा में खोपड़ी में कितना होता है, माथा में होता है 8, चेहरा में दोस्तों, चेहरा में कितना होता है, चेहरा में होता है, चेहरा में होता है 14, चेहरा में हो गया 14। अब कहेगा कि कान में कितना होता है, कान की हड्डी होता है 6, कान में होता है 6। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। फिर आता है कंठियाड़ी हड्डी, क्या कहता है, कंठिका अस्थि या कंठिका अस्थि, इसमें होता है 1। अब जोड़िए सबके कितना हो गया, 14, 6, 20, 28, 29। इसमें ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन बी में मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 296 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालक हेतु आवश्यक है। इसके लिए दोस्तों थायराइड ग्रंथि के, थायराइड आपको पता है कि थायराइड जो है इनमें से पोषक तत्व तो आयोडीन के लिए, आपको पता है आयोडीन के लिए, आयोडीन कहाँ से मिलता है दोस्तों, आयोडीन मिलता है हम लोग नमक से, कहाँ मिलता है, हम लोग जो नमक खाते हैं उससे आयोडीन मिलता है, उसमें NaCl से हम लोग क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है। इसके लिए कौन सी ग्रंथि है, तो थायराइड ग्रंथि है, कौन सा है, थायराइड ग्रंथि है। प्रतिदिन अब पूछा जाएगा सर क्वेश्चन में कि सर हम लोग के आवश्यक शरीर का कितना है प्रतिदिन आयोडीन का, तो 100 माइक्रोग्राम से 150 माइक्रोग्राम तक के आयोडीन की जरूरत है। कितना है, 100 माइक्रोग्राम से 150 माइक्रोग्राम तक की आयोडीन की जरूरत है। अब कहेंगे सर आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है दोस्तों, कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से, कौन सी रोग होता है, घेंघा रोग होता है आयोडीन के कमी से, कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 297 कह रहा है कि नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितने हड्डी होती है, तो आप बताओ नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितने हड्डी होती है, आपको पता है सर 300 हड्डी होते हैं, लेकिन यही कह देंगे कि व्यस्क व्यक्ति के शरीर में कितने हड्डी होते हैं, तो होते हैं 206। कह देंगे सबसे लंबा हड्डी कौन सा है, तो फीमर है, कौन सा है, फीमर है। सबसे जो छोटा हड्डी कौन सा है, तो है अस्टेपीज, कौन सा है, अस्टेपीज है सबसे छोटा हड्डी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 298 मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम श्रेणीखंड और जनास्थि के मेल से बनता है, क्या काम बनता है, इलियम श्रेणीखंड और जनास्थि के मेल से बनता है, कौन सा है, वो कौन सा अंग है, तो वो है दोस्तों कौन सा है, क्या है, नितंब अस्थि, कौन सा है, नितंब अस्थि, इसका नाम क्या है, नितंब अस्थि। मानव शरीर का नितंब अस्थि जो है इसका निर्माण कहाँ कहाँ से होता है, इसका जो निर्माण है वो किसको मिलाएंगे, तो इलियम को मिलाएंगे, किसको, इलियम को प्लस, इलियम प्लस और किसको बनाएंगे, श्रोणिखंड को, किसको, श्रोणिखंड, और उसके बाद क्या मिलाएंगे, उसके बाद मिलाएंगे जंघनास्थि, क्या मिलाएंगे, जंघनास्थि, ये तीनों के मिलाएंगे, तीनों का मेल होगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा नितंब अस्थि, कौन बनेगा, नितंब अस्थि। ठीक है, यह अस्थि मानव कहां पाया जाता है, अब कहेंगे सर ऐसा अटपटा नाम है, ये पाया कहां जाता है, तो ये पाया जाता है दोस्तों, ये अस्थि पाया जाता है शरीर के कुल्हे में स्थित होता है, कहां होता है, कुल्हे में स्थित होता है, कहां स्थित होता है, शरीर के कुल्हे में स्थित होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि यौवन के अंत में, मतलब कि व्यस्कता के अंत में इलियम श्रेणीखंड और जघनास्थि आपस में क्या हो जाता है, विलय हो जाता है, क्या हो जाता है, आपस में इलियम श्रेणीखंड और जघनास्थि क्या हो जाता है, आपस में विलय हो जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है, विलय हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, तीनों विलय होने के बाद तीनों अगर जो एक साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नितंब अस्थि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नितंब अस्थि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नितंब अस्थि हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है, मनुष्य में जो मनुष्य दोस्तों बौनापन हो जाता है, क्या हो जाता है, बौनापन हो जाता है मनुष्य में, हाइट कम हो जाता है,
उसके लिए कौन सा उत्तरदायी है, उसके लिए कौन सा उत्तरदायी है? ऑप्शन ए कह रहा है थोरॉक्सिन, बी में कह रहा है पीयूष ग्रंथि, सी में कह रहा है एड्रेनिनल और डी में कह रहा है अग्नाशय। कौन उत्तरदायी है? इसके लिए दोस्तों पीयूष ग्रंथि उत्तरदायी है। कौन है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है यही उत्तरदायी है बौनेपन के लिए। जो पीयूष ग्रंथि है दोस्तों, हमारे शरीर में पाया जाने वाला ग्रोथ हार्मोन पीयूष ग्रंथि में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? जो ग्रोथ हार्मोन है, शरीर का ग्रोथ हार्मोन, वो कहाँ से रिलीज होता है? ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? तो पीयूष ग्रंथि से होता है। कहाँ से होता है? तो पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से होता है। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से होता है? तो पीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है। कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, अब इस हार्मोन से क्या होता है, इस हार्मोन के बिना मांसपेशिया का गठन, हड्डियों का घनत्व बढ़ना मुश्किल, बौनेपन, घोतक होता है इस पीयूष ग्रंथि के कारण, जो पीयूष ग्रंथि हार्मोन रिलीज करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा केसुरुकी वर्ग का नहीं है? किसको कह रहा है? कि केसुरुकी वर्ग का नहीं है। कौन सा है जो केसुरुकी वर्ग का नहीं है? एनेलिडा जो है दोस्तों, एनेलिडा, एनेलिडा जो है केसुरुकी वर्ग का नहीं है। एनेलिडा जो है केसुरुकी वर्ग का नहीं है। ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्यों में जो मांसपेशिया को हड्डियों से जोड़ने वाला उत्तक कहलाता है। देखिए मनुष्यों में तीन प्रकार का होता है दोस्तों। एक तो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। क्या जोड़ता है? हड्डी प्लस हड्डी को जोड़ता है। ठीक है, दूसरा जोड़ता है हड्डी प्लस मांसपेशिया। क्या जोड़ता है? हड्डी प्लस मांसपेशिया को जोड़ता है, हड्डी प्लस मांस को जोड़ता है। तो दोनों का नाम क्या है दोस्तों? जो कह रहा है कि मनुष्यों में जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उस उत्तक को? उसको बोलते हैं कांडरा। क्या बोलते हैं उसको? कांडरा बोलते हैं। जो कांडरा स्यानु, कांडरा जो है क्या करता है कि मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। क्या करता है कि मांसपेशियों से हड्डी से जोड़ता है, हड्डी को जोड़ता है। अब देखिए एक स्यानु होता है। क्या होता है? स्यानु, स्यानु, स्यानु क्या करता है? स्यानु जो है दोस्तों हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। स्यानु क्या करता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। कांडरा क्या करता है? कांडरा, कांडरा जो है मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। स्यानु क्या है? हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा, और कांडरा क्या है? मांसपेशिया को हड्डी से जोड़ेगा। ये दोनों क्या है? दोनों है दोस्तों उत्तक। क्या है दोनों? दोनों उत्तक। दोनों क्या है? दोनों उत्तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी उत्तक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे क्या होगा? जब दो अस्थि रहेगा, दो हड्डी रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा स्यानु। क्या हो जाएगा? स्नायु। क्या हो जाएगा? स्नायु। वहां पे भी स्यानु बोल दिया, स्नायु ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पेशियों को हड्डी से जोड़ता है। पेशियों कहने का मतलब मांसपेशियां। तो यहाँ पे क्या होगा? पेशियों को हड्डी से कौन जोड़ता है? पेशियों को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो कांडरा जोड़ता है। कौन जोड़ता है दोस्तों? कांडरा। कहाँ पे है कांडरा? कांडरा है ऑप्शन बी में। कहाँ पे है कांडरा? कांडरा है ऑप्शन बी में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा कांडरा। कंडरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? कंडरा। क्या हो जाएगा? कंडरा। चलिए आगे देखिए। अगला कह रहा है कि एक कंडरा, कंडरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंडन। क्या बोलते हैं इसको? टेंडन। टेंडन याद रखना, आपको बहुत आसान होगा। टेंडन, टेंडन क्या करता है? टेंडन क्या करता है दोस्तों? मांस को, मस्कुलर को बोन से या हड्डी से जोड़ता है। किसको? बोन को, बोन से या हड्डी से जोड़ता है। कौन? टेंडन। कह रहा है टेंडन किससे बनाया जाता है? जो टेंडन है वो किससे बनता है? टेंडन किससे बनता है? तो टेंडन बनता है दोस्तों, टेंडन किससे बनता है? टेंडन बनता है केवल कोलेजन फाइबर से। किससे बनता है दोस्तों टेंडन? टेंडन बनता है केवल कोलेजन फाइबर से। ऑप्शन इसका ए सही है। टेंडन किससे बनता है? केवल टेंडन कोलेजन फाइबर से बनता है दोस्तों। टेंडन किससे बनता है? टेंडन केवल कोलेजन फाइबर से बनता है। ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होता है? जो हमारा पेशिया है दोस्तों, जब कि आप दौड़ते हैं, क्या करते हैं? धावक जो होता है दौड़ता है, तो उसके पेशियों में क्या होता है? दर्द महसूस होता है। क्या होता है? दर्द महसूस होता है। वो कौन सा अम्ल के कारण दर्द महसूस होता है? उसमें, उस पेशिये में कौन सा अम्ल बढ़ जाता है? तो लैक्टिक अम्ल बढ़ जाता है दोस्तों। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल बन जाता है? लैक्टिक अम्ल बन जाता है। दूध से दही बनता है, तो दही में कौन सा अम्ल होता है? ये में भी होता है लैक्टिक अम्ल। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। यही लैक्टिक अम्ल क्या होता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड मस्कुलर में बढ़ जाता है, तो क्या होता है? दर्द महसूस होता है। ठीक है, दर्द महसूस होता है, दर्द महसूस होता है। और क्या होता है? थकान महसूस होता है। थकान भी होता है किसके कारण? लैक्टिक के कारण। थकान भी महसूस होने लगता है लैक्टिक के कारण। चलिए अगला देखिए।
अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 306, मांसपेशिया की थकान, फिर से आ गया मांसपेशिया की थकान किसके संचय से होता है, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ए सही है, लैक्टिक एसिड के कारण होता है, ऑप्शन इसका ए सही है, इसके संचय से होता है, थकान महसूस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में, कह रहा है कि एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में कितना हड्डियां होते हैं, वयस्क रहेगा तो 206, शिशु रहेगा तो 300, वयस्क रहेगा तो 200 से शिशु रहेगा, शिशु तो उसके लिए 300 हड्डी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाया जाता है, किसमें प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाया जाता है भाई, ऑप्शन इसका कौन सा सही है, किसमें जो सफेद फाइबर है किसमें पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, तो पाया जाता है सिराओं में दोस्तों, किसे पाया जाता है, तो सिराओं में पाया जाता है प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर, सिरायों क्या बोलेंगे, टेंडन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, टेंडन, टेंडन, इसमें क्या पाया जाता है प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट, क्या कह रहा है, वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है, तो रीढ़ की हड्डी की, किसका, रीढ़ की हड्डी का भाग है, किसका भाग है वर्टिब्रेट, रीढ़ की हड्डी की भाग है दोस्तों, किसका, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी को क्या बोलेंगे, मानव शरीर में कैसुरिक, रीढ़ की हड्डी का भाग है, कैसुरिक वर्टिब्रेट किसका भाग है, रीढ़ के हड्डी का भाग है, ऑप्शन इसका कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डी पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एनटीपीसी में दो बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो मानव शिशु जो है अगर जो 300 आपके पास नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, 270 रहेगा, पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे 300 नहीं रहेगा तो 270 रहेगा, यानी कि ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन इसका सी सही है, ठीक है, सी सही है। आगे देखिए, अब आपके से पूछा गया खोपड़ी में कितना हड्डी रहता है, क्या कहेगा, खोपड़ी में कितना हड्डी रहता है, तो खोपड़ी में 29 हड्डी रहता है, आपके कहेगा कि हाथ में कितना हड्डी रहता है, एक हाथ में कहेगा दोस्तों, एक हाथ में कहेगा तो 30, दोनों में कह देगा, दोनों में कहेगा, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 60 हड्डी हो जाएगा, कितना, 60 हड्डी हो जाएगा, पैर में कितना होगा, तो पैर में भी होगा 30, अगर जो दोनों में कह देगा, दोनों में कह देगा तो 60 हो जाएगा। आगे देखिए, अगला कहिए, देखिए हम लोग हाथ और पैर के नाम दिए थे लिम्ब, क्या दिए थे, लिम्ब, हाथ को बोले थे हम लोग, हाथ को बोले थे अपर लिम्ब, क्या बोले थे, अपर लिम्ब, क्या बोले थे, अपर लिम्ब, हाथ किसका भाग आता है, तो हाथ है अपर लिम्ब का भाग है, हाथ किसका भाग है, अपर लिम्ब का, पैर को हम लोग बोले थे दोस्तों, पैर को बोले थे हम लोग लोअर लिम्ब, क्या बोले थे इसको, लोअर लिम्ब, क्या बोले थे इसको, लोअर लिम्ब, पैर किसका भाग है, लोअर लिम्ब का भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती है, जो मानव शरीर में बोन टू बोन कनेक्शन कैसे होता है, बोन प्लस बोन कनेक्शन कैसे होती है, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती है, जोड़ों से, अस्थिबंध से, मांसपेशिया से, छोटी हड्डियां से, मानव शरीर में जो दो हड्डियां हैं वो आपस में कैसे जुड़ी होती है, तो वो जुड़ी होती है दोस्तों अस्थिबंध से, क्या जुड़ी होती है, कैसे, अस्थिबंध से, उसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट, क्या बोलते हैं उसको, लिगामेंट से, क्या होती है, लिगामेंट से, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में अस्थिबंध लिगामेंट से जुड़ी होती है, ठीक है, जुड़ी रहती है। वयस्क मानव शरीर में कितना होता है, 206 हड्डी होते हैं, फिर से बता देते हैं आपको, वयस्क मानव शरीर में कितने होते हैं, 206 बोन होते हैं, शिशु में कितना होता है दोस्तों, शिशु में 270 से 300 के लगभग में होता है, 300 से ज्यादा भी होता है लेकिन 300 मानते हैं, 270 या 300, 300। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 312 कह रहा है कि हड्डियों को जोड़ता है, किसको जोड़ता है दोस्तों, हड्डियों को जोड़ता है, हड्डियों को कौन जोड़ता है, हड्डियों को कौन जोड़ता है, हड्डियों को कौन जोड़ता है दोस्तों, तो हड्डियों को जोड़ता है स्यानुबंध, क्या बोलते हैं, स्नायुबंध, हड्डियों को कौन जोड़ता है, हड्डियों को जोड़ता है स्नायुबंध, कौन जोड़ता है, स्नायुबंध जो है से हड्डियों को जोड़ता है, कौन जोड़ता है, ऑप्शन इसका डी सही है, कौन जोड़ता है दोस्तों, स्नायुबंध, ऑप्शन इसका डी सही है। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक, जो अलग वाला संयोजी ऊतक है जोड़ने वाला, द्वारा जुड़ी होती है, जिसे कहते हैं, दो अस्थियां जो जुड़ी होती है अन्य संयोजी ऊतक के, उसको क्या बोलेंगे, ऑप्शन इसका आपको पता है, क्या बोलेंगे इसको, ए बोलेंगे, स्नायु बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्नायु, स्नायु, ऑप्शन इसका ए सही है, ये क्या है, ये जो है से बोन प्लस बोन का कनेक्शन करता है, ये कैसा ऊतक है, बोन प्लस बोन को जोड़ता है, ठीक है, बोन प्लस बोन को जोड़ता है, ठीक है।
ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 313 लास्ट क्वेश्चन है आज का, और आपसे एक अनुरोध है दोस्तों कि आप अगर जो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों आप कमेंट करके कुछ जो भी कमी लगे उसको आप बताने की कोशिश कीजिए कि हाँ इस प्रकार की कमी है। आपको ही पता है, हमको ही पता है कि हम 100% सही नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको बताने से कुछ ना कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए रहने देते हैं यहीं तक, लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़िए।